हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजु बूस्टर्स। देखो बच्चा, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो लेकर हम आए हैं। और ये पेपर है पिछले सत्र का और ये सिलेबस है जो हमारे ही पब्लिकेशन यानी एजु बूस्टर्स का सिलेबस आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर होंगे तो वहाँ पर हमने दिया है। तो देखिए, इस सिलेबस से और इस पेपर से हम मिला के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे। आप इसको पढ़ लीजिए प्लस जितना हमने चैनल पे पढ़ा है उसको देख लीजिए, पर्याप्त है। आप BSc में अगर बोला जाए कि कितना, तो 75 में 75 परफेक्ट आप लेकर आएंगे बेटा, इसमें नो डाउट। अब आपको लगेगा सर क्या इतना ला सकते हैं? देखो बेटा, ये बराबर तो लाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अप्रॉक्स 70 तक अभी आप जा सकते हो। नहीं बिलीव है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए, वहाँ पर बहुत से बच्चों ने अपना रिजल्ट बताया, या पूछिए यहाँ से पढ़ने के बाद रिजल्ट कैसा मिला है वो बता देंगे। कोई फेंकने की बात नहीं है कि हम आप लोगों को फेंक के भ्रमित करें। चलिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे बच्चा। मतलब जो भी क्वेश्चन इस सत्र में नए पैटर्न पे जो NEP के द्वारा पेपर बन रहा है, तो पेपर अब मिल गया एक दो साल का, तो हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है और कैसे बनेगा। पहले तो आपको बता दें, ये पेपर जो है आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी का है, ठीक है बच्चा। बाकी सब्जेक्ट अगर आप कहेंगे तो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपकी अगर नीड रहेगी तो, क्योंकि बच्चे नहीं कहेंगे तो हम किसको देंगे भाई। और ये किसके लिए है जूलॉजी? फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है बच्चा। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है जूलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इस पेपर का नाम क्या है? साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। टाइम कितना होगा बच्चा? सब कुछ देखो, यहाँ एक साथ हम सब कुछ बता दे रहे हैं कि आपके पास क्या क्या कैसे कैसे रहेगा। ये 1.5 घंटे, कुछ जगहों पे 3 घंटे भी दिए जा रहे हैं। देखो, कुछ जगहों पे 3 घंटे दिए जा रहे हैं, तो हम इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे बच्चा। इसके लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लेना। 75 नंबर का पेपर रहेगा, 1.5 घंटे का टाइम, ठीक है। सेक्शन इसमें कितने होते हैं? देखो, सब कुछ बताना जरूरी है, नहीं आप कंफ्यूजन में रहोगे। सेक्शन कितने हैं? सेक्शन ए होगा बेटा। फिर कितना होगा सेक्शन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, इसी सेक्शन में ही हम लिख देंगे। रुको, डिस्टेंस कर दे रहे हैं, तो हम सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपको दे देंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये होगा सेक्शन। हम पूरा पैटर्न के आधार पे बना दे रहे हैं पेपर, और इसको आप पढ़ के जाइएगा। और ये है सेक्शन सी। अब आप कह सकते हैं 3 सेक्शन में आप लोगों का पेपर बटा हुआ है। ये क्लियर है? एक मिनट, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, ये सही कर दे रहे हैं। चलिए, 3 सेक्शन हो गया। पहले सेक्शन में आपको पढ़ना है बच्चा वेरी शार्ट टाइप। इसमें है वेरी शार्ट टाइप, शार्ट टाइप, ठीक। यहां पे आपको मिनिमम कितने वर्ड में आंसर करने हैं? 50 वर्ड में, 50 शब्दों में आपके आंसर हो जाने चाहिए। क्लियर है बच्चा? कैसे होंगे, क्या होंगे, वो हमने बहुत सारे वीडियो दिए, वो भी देखना। प्लस यहां पे हम कुछ चीजें अभी दे देंगे, वो देख लेना। जो सेक्शन बी है इसमें शार्ट आंसर देने हैं, शार्ट टाइप। ये वेरी शार्ट है, ये कैसा है? ये शार्ट टाइप है, शार्ट टाइप, उससे थोड़ा बड़ा आपको यहाँ लिखना होगा। कितने वर्ड होंगे यहाँ? यहाँ 100 वर्ड्स होंगे, वो 50 शब्दों का, ये 100 शब्दों का, ध्यान देना। क्योंकि यहीं से बच्चे मार खा रहे हैं, जो नंबर कम आ रहा है जिन बच्चों का, वो यहीं से मार खा रहे हैं, वो इसी को भरने लग रहे हैं, इसी को भरने लग रहे हैं। नहीं, आपको सेक्शन सी में जाना है, वहां पे आपको जो क्वेश्चन देना है वो कितना है? लॉन्ग टाइप का है बेटा, ये आपका है लॉन्ग टाइप। और लॉन्ग टाइप में भी ये नहीं कि आप 10-12 पन्ने भर दो, सिर्फ और सिर्फ आपको 300 शब्दों के आंसर लिखने हैं, 300 शब्दों के। 20-20 नंबर का क्वेश्चन होगा, कितना होगा? 2। कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का, ठीक है बच्चा। सेक्शन सी की कहानी ये थी। सेक्शन बी में 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 5 होंगे, आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 25।
यहां पे क्या होगा बच्चा, दो गुणते फाइव बराबर कितना, दस। क्लियर है? यानी कि आपको यहां पे कितने क्वेश्चन करने हैं, पांच। ठीक है, यहां पे पांच क्वेश्चन करने हैं। ये आगे पीछे आप कर सकते हो क्योंकि ये सब ऐसे लिखे हैं तो कंफ्यूजन ना रहे। यहां पे पांच क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कि दो नंबर का ये क्वेश्चन है, कठो करना है, दो नंबर का क्वेश्चन है, पांच ठो करना है। क्लियर, पांच करना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे बच्चा, अब हम ये बताने जा रहे हैं। देखना, कुछ सिलेबस से रहेंगे और कुछ साइड से। यहां पे आपका क्वेश्चन बनेगा बच्चा वेरी शॉर्ट वाले में, माइटोकांड्रिया। यहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माइटोकांड्रिया। ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हो। देखो वहां पे हमने पांच लिखा है लेकिन हम यहां एक्स्ट्रा देंगे तब आप पढ़ोगे, नहीं तो पढ़ोगे नहीं। दूसरा है बेटा, आपको किसको पढ़ना है, राइबोसोम। राइबोसोम कहोगे इसमें क्या पढ़े सर, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने पढ़ा दिया है, इसका भी स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है, हमने पढ़ाया है तो ये आप लोग देखोगे बच्चा। फिर आ जाते हैं, इसके बाद है डीएनए, डीएनए बहुत छोटा छोटा लिखना है 50 शब्द में। तो इसमें क्या आप लिखोगे, स्ट्रक्चर फंक्शन, स्ट्रक्चर में इसके टाइप वाइप सब आ जाते हैं, ठीक है बच्चा। फिर यहां पे आ जाइए, इसके बाद आपका आता है जंक्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है टाइड जंक्शन, टाइट जंक्शन, जिसमें सेल जंक्शन के बारे में हमने अपने नोट्स में दिया है, उसको देख लेना। यहां पे आपको फिलामेंट, देखो भाई वीडियो में अगर इंपॉर्टेंट चाहिए